डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इस बात की कंग्रेचुलेशंस देना चाहूँगा कि आपने अपनी वेडिंग को ड्रीम डे में बदलने के लिए एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। और ये डिसीजन ये बताता है कि आपकी वेडिंग के लिए आप बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमारे वेडिंग के अंदर आती हैं, जिसके कारण होस्ट को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम शुरू करते हैं उन्हीं मिस्टेक्स को स्टेप बाय स्टेप। नंबर वन, बस्ट प्रॉब्लम। किसी भी इवेंट को प्लान करने से पहले सबसे पहले आपको ध्यान रखना है उसके बजट के ऊपर, क्योंकि कभी भी आप कोई भी वेडिंग इवेंट प्लान करते हैं, अगर आपके पास उसके लिए कोई डिसाइड बजट नहीं है तो आप एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन में जा रहे हो। क्योंकि बिना बजट के आप किसी भी चीज़ को कंसीडर मत करिए, क्योंकि सबसे पहले आप अपना बजट फाइनल करिए कि इस बजट से बाहर हमने बिल्कुल नहीं जाना। तो उस बजट के अकॉर्डिंग ही आप नेक्स्ट स्टेप लीजिए। नंबर टू, कन्फ्यूज ऑन मल्टीपल लोकेशंस। कभी भी हम किसी भी तरह की अगर वेडिंग प्लान करते हैं तो लोकेशन का उसके अंदर बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो जब भी आप वेडिंग प्लान करें तो सबसे पहले आप अपनी लोकेशन को फिक्स करें, आप माइंडसेट बनाएं भी इस लोकेशन से बाहर हमने अपनी वेडिंग नहीं करनी। तो जब तक आप अपनी लोकेशन फाइनल नहीं करेंगे, उसके बिना आप उसके आगे स्टेप होटल, नॉन वेन्यू, ये सब चीज़ें फाइनल नहीं कर सकते। तो सभी फैमिलीज के साथ बैठकर सबसे पहले आप अपनी लोकेशन फ्रीज कीजिए कि ऐसी कौन सी लोकेशन है जहां पर हम वेडिंग प्लान करेंगे। नंबर तीन, स्पेंड मनी ओनली ऑन वेन्यू। हमने देखा है बहुत से ऐसे होस्ट हैं, जब स्टार्टिंग में हम वेन्यू सिलेक्शन के लिए निकलते हैं तो हम सबसे पहले ऐसा वेन्यू सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमारे बजट से ओवर है। तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, आपकी वेडिंग का जितना भी एक्सपेंस आ रहा है उसमें से 40% आपका फूड और अकोमोडेशन में आएगा और 60% आपका एक्सपेंस नॉन वेन्यू में जाने वाला है। सपोज दैट अगर आप 50 लाख की वेडिंग प्लान कर रहे हैं तो आप 20 लाख से ऊपर बिल्कुल भी किसी भी तरह के वेन्यू सिलेक्ट ना करें। अदरवाइज जैसे ही आप इससे ऊपर का वेन्यू सिलेक्ट करोगे तो आपका बजट कम से कम 20-30% इंक्रीज हो जाएगा, जो आपको वेडिंग के बाद बिल्कुल ये चीज़ फील होगी, अगर इससे पहले मैं वेन्यू अपने ही बजट में सिलेक्ट करता तो इतना ज़्यादा एक्सपेंस प्लस ना होता। तो प्लीज़ ध्यान रखें, अपना वेन्यू पे सारा पैसा मत लगाएं, नॉन वेन्यू बहुत बड़ा पार्ट है, तो वेन्यू के ऊपर ओनली ऑन 40% पेमेंट आपकी लगनी चाहिए। नंबर फोर, लेट डिसीजन फॉर बुकिंग। अक्सर हम देखते हैं फैमिली के अंदर ये चीज़ें रहती हैं भी, अभी बहुत टाइम पड़ा है, डिसीजन ले लेंगे। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से 2021 के अंदर कोई भी वेन्यू, कोई भी होटल कम से कम 8-10 महीने पहले बुक होने वाले हैं और बुक हो चुके हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप अपनी लोकेशन सेट करिए, अपना वेन्यू क्लोज करें। किसी भी डेट को अगर क्लोज करने वाले हैं तो आज ही आप इसका डिसीजन लें, क्योंकि अगर आपके पास वेन्यू नहीं है तो पूरी की पूरी आपकी प्लानिंग किसी काम की नहीं है। तो सबसे पहले आप अपना वेन्यू बुक करें, डिसीजन लेट ना करें, इंस्टेंट डिसीजन लें किसी भी चीज़ के ऊपर। और उसके लिए आप सबसे पहला डिसीजन लें अपनी वेन्यू बुकिंग का। तो आज ही कोशिश करें अपना वेन्यू बुक करने की। मिस्टेक नंबर फाइव, गेटिंग कोटेशन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। इवेंट के अंदर, वेडिंग के अंदर बहुत से होस्ट ऐसी कोशिश करते हैं भी वो एक ही होटल के अंदर अलग अलग जगह से कोशिश करते हैं अपनी अपनी तरह से उसकी इंक्वायरी करने की। वो रैंडम इंक्वायरी पहले तो एक इवेंट प्लानर के थ्रू भेजते हैं, फिर दूसरे के थ्रू भेजते हैं, तो वो 3-4 जगह से अलग अलग लोगों को बाईपास करके और एक ऐसा प्राइज निकालना चाहते हैं जो एक दूसरे के साथ वो कंपेयर करना चाहते हैं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे ये फ़र्क पड़ता है भी जब आप बार बार एक ही होटल के ऊपर अलग अलग सोर्सेज से इंक्वायरी डालोगे तो उस होटल को ये चीज़ कंफर्म हो जाती है अभी इस डेट की, इस दिन की वेडिंग
ज़्यादा है, मेरे पास इसकी इंक्वायरी ज़्यादा है, अगर 4 रिसोर्सेज अलग अलग मेरे से इंक्वायरी कर रहे हैं तो ये डेट परमानेंट ब्लॉक होगी ही होगी। तो उस दिन होटल इस चीज़ का बेनिफिट लेता है, वो अपने प्राइस कभी भी कम नहीं करता। हाँ, अपने को उस प्राइस को क्रॉस चेक करना बनता है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी कोई भी इवेंट प्लानर हमें अगर कोई प्राइस दे रहा है, तो कोई भी सेल्समैन हमें वो प्राइस दे रहा है, तो हमें उसे क्रॉस चेक करना बनता है। पर अगर आप बहुत बार उस चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे, तो होटल इस चीज़ को अवॉइड करते हैं भी, अब इससे नीचे का प्राइस मत दो, क्योंकि ये डेट अपने पास बार बार इंक्वायरीज आ रही हैं, तो ये डेट ब्लॉक होगी ही होगी। तो उनके माइंड में जो हम इंडिकेशन दे देते हैं, वो हम खुद इंडिकेशन देने के बाद अपना ही लॉस करते हैं। तो ये मिस्टेक कभी ना करें। अगर आप किसी पर्सन को अपने साथ लेके चल रहे हैं, तो आप उसके ऊपर फेथ करें, उसी के साथ आप आगे बढ़ें, उसी के ऊपर बिलीव करें, ताकि वो आपको कन्फर्म प्राइस निकाल के दे। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, इससे आपका लॉस होगा। होटल कभी अपना रेट डाउन नहीं करते, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। नंबर 6, नॉट इंक्लूडिंग हॉस्पिटैलिटी बजट। हमारे इवेंट्स में हम देखते हैं भी ऐसे बहुत से बजट है जो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, भी इस चीज़ का एक्सपेंस आने वाला है, इस चीज़ का एक्सपेंस आने वाला है। लेकिन बहुत से होस्ट क्या करते हैं कि अपनी वेडिंग के अंदर वेडिंग प्लानर का एक्सपेंस इंक्लूड नहीं करते, अपनी वेडिंग के अंदर हॉस्पिटैलिटी टीम का एक्सपेंस इंक्लूड नहीं करते। तो जब उनका ये बजट प्लस होता है, तो उनको ऐसा लगता है भी कहीं ना कहीं इनसे नेगोशिएशन की जाए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, उन्हीं लोगों ने आपकी इवेंट को सक्सेस करना है, उन्हीं लोगों ने आपकी वेडिंग को सक्सेस करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अपने बजट के अंदर वेडिंग प्लानर का और हॉस्पिटैलिटी टीम का बजट ज़रूर इंक्लूड करके रखें। मिस्टेक नंबर 7, स्टाफ अकोमोडेशन नियर बाय। अक्सर वेडिंग्स में देखा जाता है भी बहुत से लोगों का ध्यान अपनी वेडिंग को मैनेज करने के ऊपर होता है, लेकिन जो आपके होटल के अंदर, जो आपके वेन्यू के अंदर स्टाफ पहुंचने वाला है नाइट स्टे के अंदर, क्या आपने उनके लिए कोई अकोमोडेशन नियर बाय चूज़ किया? अगर इतने लोग वहां पे काम करने के लिए आ रहे हैं, तो नियर बाय आपको कोई ना कोई अकोमोडेशन ज़रूर देखनी चाहिए। अदरवाइज़ वो नाइट को आपके पास बैठेंगे और बोलेंगे भी हमें रूम चाहिए, तो उस टाइम पे आप जिस एक्सपेंसिव होटल में रुके हो, उन्हीं के रूम आपको लेके देने पड़ेंगे। तो एक चीज़ का ध्यान रखें, हमेशा अपने होटल के नियर बाय कोई ऐसी लोकेशन चूज़ करें 1-2 किलोमीटर्स के अंदर, जहाँ पे आप अपने स्टाफ के लिए रूम और फूड का प्रबंध कर सकें। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें भी आपका जो स्टाफ पहुंचने वाला फोटोग्राफर है, 5 से 7 लोगों की टीम उनके पास है, हॉस्पिटैलिटी के लोग हैं, आपकी ट्रांसपोर्टेशन मैनेज करने वाले लोग हैं, जितना भी स्टाफ वहां आने वाला है, उनकी अकोमोडेशन और फूड कहां होने वाला है, तो इस चीज़ के लिए आप ध्यान जरूर रखें। नंबर 8, लास्ट मोमेंट वेंडर बुकिंग। अक्सर शादियों में ये देखा जाता है भी जैसे जैसे दिन नज़दीक आते हैं, तो हम अपने वेंडर क्लोज करना स्टार्ट करते हैं। वहाँ हम ये बात को भूल जाते हैं, वेडिंग में अगर बहुत कम दिन बचे हैं, तो अगर हम वहाँ वेंडर बुक करेंगे, तो एक चीज़ हमेशा होने वाली है कि वो वेंडर आपसे प्राइस ज़्यादा डिमांड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनकी नियर बाय बुकिंग हो चुकी है। सेकंड बात, जब आप फास्ट डिसीजन लेंगे मैरिज के बिल्कुल कुछ दिन पहले, तो वहाँ पर आप 20-30% एक्स्ट्रा पे करेंगे उन वेंडर्स को, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं बचा किसी और के लिए नेगोशिएशन करने के लिए, किसी और के लिए कोई ट्राई मारने के लिए, आपके पास किसी तरह का कोई टाइम ही नहीं है। तो उस टाइम में आपके माइंड में एक ही चीज़ होती है, अभी कोई बात नहीं, पैसा दो और इनको बुक करो, अभी और बहुत पड़े हैं। तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, अपने वेंडर अपनी वेडिंग से मिनिमम 1 मंथ पहले मिनिमम ज़रूर बुक करें। नंबर 9, डिवाइड द बजट एंड ट्रैकिंग। वेडिंग के टाइम पे हम कभी भी इस बात के लिए ट्रैक ही नहीं करते भी कितने परसेंट हमारा बजट इवेंट में होने वाला है, कितने परसेंट हमारा बजट होटल में जाएगा, कितने परसेंट हमारा बजट नॉन वेन्यू में जाएगा, एंटरटेनमेंट में जाएगा।
हम अपने बजट को डिवाइड नहीं करते, और जैसे जैसे हम वेंडर बुक कर जाते हैं तो हमें पता चलता है भी ये भी चीज़ अभी पेंडिंग है, ये भी चीज़ अभी पेंडिंग है, लेकिन हमारा बजट तो शॉर्ट हो रहा है। तो उस टाइम पे, उस टाइम पीरियड के अंदर हम वो शॉर्ट टाइम को फिल करने के लिए ऐसे ऐसे वेंडर पकड़ते हैं जो वेंडर वहाँ पे शादी के दिन डिलीवरी नहीं कर पाएंगे, तो वो एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ लैकिंग का है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, अपने बजट को डिसाइड करें भी एंटरटेनमेंट के लिए हम कितना पैसा स्पेंड करेंगे, डेकोरेशन के लिए कितना करेंगे, वेन्यू के लिए कितना करेंगे, हर चीज़ के लिए ट्रैकिंग करें और अपने एक्सपेंस को कैटेगरी वाइज डिवाइड ज़रूर करें। मिस्टेक नंबर 10, कंसीडर योर पार्टनर आइडिया। वेडिंग्स के अंदर क्या देखा जाता है भी एक पार्टनर सब मैनेज कर रहा है, तो वो जितने भी अपने आइडिया हैं वो सारे इम्प्लीमेंट करना चाहता है, लेकिन वो होस्ट दूसरी फैमिली की राय ही नहीं लेते, दूसरी फैमिली के आइडिया ही नहीं लेते, उनका ओपिनियन ही नहीं पूछते भी आप क्या चाहते हो। तो एक चीज़ का ध्यान रखें, कोई भी चीज़ मैनेज करने से पहले आप अपने पार्टनर का एक बार टेस्ट जरूर देखें, एक बार उनके माइंड में कोई आइडिया हो, क्योंकि अगर आपकी शादी हो रही है तो शादी उनकी भी हो रही है। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें, आप अपने पार्टनर का ध्यान रखते हुए उनके भी आइडिये अपनी मैनेजमेंट में, अपने सिस्टम में ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। नंबर 11, बैड वेदर बैकअप। अक्सर हमने वेडिंग्स के अंदर देखा है भी बहुत लोगों की वेडिंग्स के अंदर वेदर की प्रॉब्लम आ जाती है, बारिश आ जाती है, फॉग आ जाती है, या किसी भी तरह का अंधेरी आ सकती है। तो उस टाइम पे आपने इस चीज़ के ऊपर कंसीडर करना है भी क्या इस वेन्यू के अंदर, इस होटल के अंदर मेरी वेडिंग के टाइम पे अगर मौसम ख़राब होता है तो क्या इनके पास कोई बैकअप है, क्या मेरा फूड सेटअप कहीं ये बैकअप में मैनेज कर सकते हैं, इतने गेस्ट मेरे कहाँ रुकेंगे। ये सब चीज़ें आपने एक बार ज़रूर कंसीडर करनी है कि आपके वेन्यू के ऊपर आपका वेदर का बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। नो RSVP काउंटर एंड नो कॉन्टैक्ट नंबर। होटल के अंदर अक्सर हम ये देखते हैं भी हम होटल के ऊपर ही रिलाई करते हैं। जब भी कभी आप वेडिंग का प्लान करें तो एक होटल के अंदर अपनी RSVP टीम जरूर बैठाएं और उनके पास एक परमानेंट कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ें, और सभी गेस्ट के पास उसी कॉन्टैक्ट नंबर को आप बाय मैसेज ज़रूर भेजा दें। उसे क्या फ़र्क पड़ेगा, बार बार किसी को भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो उनको ये बोलिए भी आप हेल्प डेस्क पे पता करिए, RSVP काउंटर पे पता करिए। तो वहाँ पे आपके कोई गेस्ट बाहर से आ रहे हैं, वहाँ पे कोई गेस्ट हैं जिनको रूम्स में कोई ज़रूरत है किसी चीज़ की, या किसी भी तरह की आपको इवेंट में कोऑर्डिनेशन की जो चीज़ें रहती हैं वो आप सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनाइए और सिंगल कॉन्टैक्ट नंबर आप अपने सभी गेस्ट को मैसेज के थ्रू भेज दीजिए। उसमें ये ड्यूटी लगाइए उस टीम की भी आप सभी हमारे गेस्ट को ये नंबर से एक एक मैसेज ड्रॉप कर दें भी आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो सिर्फ ओनली ऑन इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो कभी भी आपकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए, कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं भी आपको बाज़ार से कुछ मंगवाना पड़ रहा है, तो सिर्फ आपके पास कॉन्टैक्ट ऑफ नंबर एक होना चाहिए। इससे आप शादी में अलग अलग जगह पजल नहीं होंगे, दूसरे लोग आपके साथ जो हैं वो अलग अलग जगह पे डिस्टर्ब नहीं होंगे, तो इससे आपकी फैमिली और आपके सभी लोग इवेंट को अच्छी तरह इंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि सभी को पता है कि नीचे जो काउंटर लगा हुआ है, हेल्प डेस्क लगा हुआ है, वो हमारे इवेंट की मास्टर की है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, वो एक हेल्प डेस्क ज़रूर लगाएं, RSVP टीम बैठाएं वहाँ पे और एक कॉन्टैक्ट नंबर उनके पास ऐसा दें जो सभी के पास हो और वो वहाँ पे संपर्क कर पाए। मिस्टेक नंबर 13, इनवाइट टू मैनी गेस्ट एंड फॉरगेट टू टेक केयर। वेडिंग लिस्ट के अंदर कई बार ऐसा हो जाता है भी हम अननेसेसरी ही अपनी गेस्ट लिस्ट को एक्सटेंड कर देते हैं, ऐसे ऐसे गेस्ट हम डाल देते हैं जो बिल्कुल दूर रिलेशन के अंदर होते हैं। तो उसके अंदर क्या होगा, जब आप ज़्यादा गेस्ट अपने वेडिंग के अंदर अकोमोडेट करोगे तो वहाँ पे आपका जो एक्सपीरियंस है, वो जो आपका फूड का एक्सपीरियंस है, जो आपका एंटरटेन का एक्सपीरियंस है, वो आप प्रॉपर उनकी टेक केयर नहीं कर पाओगे। तो एक चीज़ का ध्यान रखें भी आप उतने ही गेस्ट अकोमोडेट करें जितने की वहाँ पे आपको जगह मिली हुई है।
अगर बैंक्वेट वेन्यू होटल कुछ भी आप बुक करके चल रहे हैं तो अपने गेस्ट लिस्ट को उस तरीके से मैनेज करें भी इतने स्क्वायर फीट के अंदर इतने गेस्ट के अकोमोडेट हो सकते हैं। कई होटल्स के अंदर हमने इस चीज़ को नोट किया है भी उस बैंक्वेट हॉल में स्पेस बिल्कुल कम था। सपोज दैट वहाँ स्पेस था 200 लोगों का, लेकिन गैदरिंग हो गई वहाँ पे 400 लोगों की, तो इतना मैसअप हो गया, लोग पास पास खड़े होकर ड्रिंक कर रहे हैं, पास पास खड़े होकर फूड ले रहे हैं, इतनी सफोकेशंस वहाँ महसूस होती है, जगह ही नहीं थी किसी के पास। तो उस इवेंट में सभी एक ही बातें कर रहे थे भी इतना टाइट क्यों हो गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अपने उतने ही गेस्ट इन्वाइट करें जितना आप स्पेस लेके चल रहे हो, जितने आपके पास रूम की अवेलेबिलिटी है उतने ही गेस्ट की लिस्ट मैनेज करके चलें। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, ये मिस्टेक करने से बचें। नंबर 14, चेकिंग योर पैकेजिंग लिस्ट। जब भी आप घर से निकलें तो एक लिस्ट बनाएं। प्रॉपर एक लिस्ट बनाएं जिसमें सब चीज़ें आपकी काउंट होनी चाहिए। क्या होता है, अक्सर जब हम वेडिंग के लिए निकलते हैं जो ब्राइड और ग्रूम की ड्रेसेस होती हैं, वेडिंग के दिन ज्वेलरी है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, तो होस्ट अक्सर घर में भूल जाते हैं, कुछ गाड़ियों में रखे होते हैं, कुछ गाड़ियों में चीज़ें नहीं रखी होती, तो एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण वो चीज़ें अक्सर घर पे रह जाती हैं। तो एक ऐसी लिस्ट मैनेज करें और उस लिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक पर्सन को दें भी ये लिस्ट आपके पास है, इसको क्रॉस चेक करके वेन्यू तक पहुँचाना आपकी जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी ब्राइड या ग्रूम की ड्रेस की पैकेजिंग करें या किसी भी चीज़ की पैकेजिंग करें तो एक लिस्ट बनाएं और उसी लिस्ट को आप क्रॉस चेक जरूर करें चलने से पहले। लोगों की पगड़ियां, लोगों के सेहरे घर पे रह जाते हैं, जो हमने बहुत बार मार्केट से जाके नई पगड़ियां परचेज करके शादी के दिन घोड़ी पे चढ़ने से पहले लोगों को बंधवा के हमने घोड़ी पे चढ़ाया है। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हमने देखे हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। मिस्टेक नंबर 15, ब्राइड ग्रूम शेडो। अक्सर हमने देखा है कि ब्राइड और ग्रूम इसी चीज़ के ऊपर अपना माइंडसेट लेके चलते हैं भी मेरी फ्रेंड्स बहुत होंगी, मेरी मम्मी होंगे, मेरे रिलेटिव्स होंगे, मुझे किसी अदर शेडोज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यही मिस्टेक ना करें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, 1000 से लेकर 4000 तक बढ़िया शेडो आपके साथ एक्सपीरियंस होल्डर आने वाली है। तो अपनी वेडिंग के अंदर ब्राइड के साथ, ग्रूम के साथ, ब्राइड के पापा मम्मी के साथ और ग्रूम के मम्मी पापा के साथ एक एक शेडो जरूर मैनेज करें। आपकी वेडिंग की 50-70% स्ट्रेस वो अकेली शेडो आपकी दूर कर देगी। तो हमेशा इस चीज़ के लिए ध्यान रखें, अपनी शेडो के बिना कभी भी वेडिंग सेलेक्ट मत करें। तो अपनी वेडिंग में पहले ही आप उनको प्रॉपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दें, ताकि उसके बाद बिल्कुल आप फ्री माइंड से अपनी वेडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। मिस्टेक नंबर 16, ब्राइड ग्रूम फूड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेडिंग में ऐसा देखा गया है भी अक्सर सभी लोग अपने अपने इंजॉय करने में हमेशा लगे होते हैं। फैमिली के अंदर सभी लोग अपनी अपनी जगह इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन ब्राइड और ग्रूम की फूड की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी पर्सन के ऊपर नहीं होती। तो ऐसे बहुत से केसेस में देखा गया है कि ब्राइड पूरा दिन अपने ही रूम के अंदर वेट कर रही है किसी खाने के लिए या किसी चीज़ की ज़रूरत के लिए, उसके पास किसी तरह की कोई सर्विंग नहीं पहुंचती। तो कोशिश करें ब्राइड ग्रूम के फूड की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक पर्सन को दीजिए जिसकी पूरी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ब्राइड और ग्रूम को किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत रहती है, खाने से रिलेटेड, कुछ पीने से रिलेटेड, तो वो उनकी उस ज़रूरत को पूरा करें। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। मिस्टेक नंबर 17, यू डोंट नो हिडन कॉस्ट। वेडिंग के अंदर कुछ ऐसी कॉस्ट होती है जो बिल्कुल हिडन रहती हैं, जो आपको एट द टाइम ऑफ वेडिंग ध्यान रखना होगा।
कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो आपको टू दी पॉइंट वहीं पे मैनेज करने होते हैं, तो कम से कम 10-15% एक्सपेंस आप प्लस करके रखें अपने बजट से, क्योंकि आपके वो एक्सपेंस वहाँ पे होने वाले हैं जो पहले हम किसी भी तरह कैलकुलेट नहीं कर सकते। मिस्टेक नंबर 18, म्यूजिक लिस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के स्टेज के ऊपर कुछ फैमिलीज का अपनी चॉइस रहती है भी हमारे ये सॉन्ग्स होने चाहिए, हम फैमिली परफॉर्मेंस दें तो ये सॉन्ग्स हमें वहाँ पे चाहिए, हमारे बच्चे अगर डांस करेंगे तो उनके लिए ये वहाँ पे परफॉर्मेंस होने के लिए सॉन्ग्स चाहिए। तो जब वहाँ डीजे प्लेयर जब जॉकी प्लेयर उस चीज़ को प्ले करता है तो उसको अलग अलग जगह से वो पूरे के पूरे सॉन्ग फाइंड करने पड़ते हैं। इससे बेटर वे ये है भी आप अपनी एक लिस्ट तैयार करें अपनी वेडिंग के लिए, बच्चों से अपनी फैमिली से बैठ के इस बात का एक डिस्कशन करें भी ऐसे कौन कौन से सॉन्ग्स हैं जिनकी आप लिस्ट डिज़ाइन करके उसको प्रॉपर एक पेन ड्राइव में या एक कार्ड में बना कर तो आप अपने साथ रखें। जब भी आपकी फैमिली में किसी भी तरह के सॉन्ग प्ले करने की ज़रूरत पड़े तो आप डीजे जॉकी वाले को जाके ये बात बोल सकते हैं भी हमारी ये पेन ड्राइव इसके अंदर लगा लीजिए, तो उस पेन ड्राइव में आपके सेलेक्टेड सॉन्ग रहेंगे, तो आपका उस टाइम पे फ्लोर के ऊपर आपका एक फ्लो भी रहेगा, बार बार जो आपकी डिपेंडेंसी थी उस डीजे वाले के ऊपर वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बहुत जगह हमने ऐसे देखा है भी जो सॉन्ग्स ब्राइड ग्रूम को या फैमिली को या बच्चों को चाहिए होते हैं वो वहाँ उनके पास अवेलेबल ही नहीं होते, उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होते, तो उनका जो मूड है वही स्पॉयल हो जाता है, आपके गेस्ट आ जाते हैं। तो ऐसा ध्यान रखें, पहले ही अपनी एक लिस्ट प्रिपेयर करके चलें और उस डाटे को कार्ड में या पेन ड्राइव में साथ लेके चलें, तो इस चीज का ध्यान रखें, ये मिस्टेक करने से बचें। मिस्टेक 19, डोंट रिलाइंग ऑन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अपनी वेडिंग के अंदर आप बिल्कुल अपने फ्रेंड्स के ऊपर और अपने रिलेटिव्स के ऊपर बिल्कुल रिलाय ना करें, क्योंकि आप ये समझते हैं भी मेरे रिश्तेदार मेरे सभी जान पहचान वाले सब लोग वहाँ होंगे उनको लगाकर इवेंट मैनेज कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, जितने भी लोग वहाँ पे आपके पहुँचने वाले हैं वो सिर्फ आपकी शादी इंजॉय करने के लिए आए हुए हैं, वो आपका इवेंट मैनेज करने के लिए नहीं आए हुए। दूसरी बात, उनके किसी के पास भी इवेंट मैनेज करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वहाँ पर आप जिसको भी जिस भी ड्यूटी पे खड़ा करोगे वो अपनी वो जगह छोड़ देगा आपको बिना बताए, क्योंकि वो सिर्फ आपकी वेडिंग एंजॉय करने के लिए पहुँचे हैं, ना कि आपका इवेंट मैनेज करने के लिए। 10 मिनट वो ड्यूटी देंगे, उसके बाद वहाँ से वो दूर हो जाएंगे। तो बार बार जितनी भी वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी वो बिना हॉस्पिटैलिटी टीम के वो सब प्रॉब्लम्स आपको खुद को फेस करनी पड़ेंगी। तो बेटर देन है आप थोड़ा सा एक्सपेंस इसके लिए करिए और अपनी वेडिंग को पूरी तरह इंजॉय करिए। मिस्टेक नंबर 20, फॉरगेट गेस्ट लिस्ट फॉर रिटर्न गिफ्ट्स। एक ऐसी लिस्ट आप ज़रूर डिज़ाइन करें, जितने भी गेस्ट आपकी वेडिंग पे पहुँचे हैं आपने जो भी उनको रिटर्न गिफ्ट देने हैं वो सारी की सारी लिस्ट आप एक प्रॉपर पर्सन को दीजिए, वहाँ पे उसकी ड्यूटी लगा दीजिए भी ये पर्सन को आपने रिटर्न गिफ्ट देके ही भेजना है। मोस्टली वेडिंग्स में देखा गया है लोग ये ऐसे लिस्ट बनाना ही भूल जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जब गिफ्ट्स होते हैं जो बिल्कुल पास खड़े लोग हैं उनको तो गिफ्ट दे दिए जाते हैं, लेकिन जब हमारे VIP गेस्ट आने वाले थे उनके लिए वहाँ पे गिफ्ट ही नहीं बचते। तो बेटर देन है आप इस तरह की चीज़ों से बचें और वहाँ पे आप पहले ही अपनी एक गेस्ट लिस्ट मैनेज करके चलें, ताकि आपको पता हो भी इन लोगों को रिटर्न गिफ्ट्स ज़रूर देने हैं, अदरवाइज वो आपके गिफ्ट कुछ और ही लोगों को बांट दिए जाएंगे, लेकिन जो आपके VIP लोग हैं वो सब फैमिलीज आपकी बिना गिफ्ट के अपने घर जाएंगी, वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। मिस्टेक नंबर 21, फॉरगेट टू हायर कोरियोग्राफर फॉर फैमिली परफॉर्मेंस। बहुत सी ऐसी फैमिलीज के अंदर बिना कोरियोग्राफर के वो अपना डांस वो अपनी फैमिली परफॉर्मेंस मैनेज करने की कोशिश करते हैं, जो बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि वहाँ पे इवेंट के दिन पे आपको टाइमिंग
आपको म्यूज़िक रिदम हर चीज़ का कॉम्बिनेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन से लोग आ रहे हैं, कौन कौन से लोग स्टेज पे रुकेंगे, कौन से नहीं रुकेंगे, ये सब कोरियोग्राफर की ही कला है। तो आप इस मिस्टेक को मत करिए। एक कोरियोग्राफर आप ज़रूर हायर करें जो आपके घर पे आए या आपकी फैमिली वहाँ पे जाए, जैसे भी हो सके आपके साथ वो मैनेज करे। कोरियोग्राफर अगर घरों में आते हैं और वो जितना भी टाइम हो सकता है आपको पूरी तरह अलग अलग सॉन्ग्स के ऊपर आपकी परफॉर्मेंस रेडी करवाते हैं और सेम परफॉर्मेंस आपकी वेडिंग के दिन आप स्टेज पे परफॉर्म कर सकते हो, तो उसका एक लुक ही अलग है, उसका एक एंजॉय ही अलग है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें, ये मिस्टेक से बचें। कोरियोग्राफर आप ज़रूर हायर करें, चाहे कोई भी हो। बिना कोरियोग्राफर के आप कोई भी फैमिली परफॉर्मेंस करने की कोशिश ना करें, वो वहाँ पे जाके आपका भी मूड स्पॉयल होगा और आपके आने वाले मेहमानों का भी मूड स्पॉयल होगा। मिस्टेक नंबर 22, नो ड्राफ्ट इवेंट फ्लो ऑन पेपर। सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है हम कॉमन पर्सन से, वो ये भी हमारा पूरे का पूरा इवेंट फ्लो किसी पेपर के ऊपर नहीं होता। हमें पता ही नहीं है भी किस परफॉर्मेंस के बाद कौन सी परफॉर्मेंस होने वाली है और उसको मैनेज करने वाला पर्सन कौन है। इस इवेंट के बाद दूसरा इवेंट क्या होगा, उसकी टाइमिंग क्या होगी, 10-10 मिनट के जो शॉर्ट्स रहेंगे उसके बाद किसको बुलाया जाएगा, किसको नहीं बुलाया जाएगा। तो अक्सर हमने देखा है भी स्टेज के ऊपर आने वाले लोग, जाने वाले लोग, किसी को टाइम कम मिल रहा है, किसी को टाइम ज़्यादा मिल रहा है, कभी स्टेज बिल्कुल ही ब्लैंक पड़ा हुआ है, वहाँ पे कोई भी नहीं है। तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, अगर आपके पास वेडिंग इवेंट की टाइमलाइन नहीं है तो आपका पूरे का पूरा वेडिंग इवेंट फ्लॉप हो सकता है और सभी मेहमानों का मूड स्पॉयल हो सकता है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक बिल्कुल टाइम टेबल बनाएं और कोशिश करें उसी टाइम टेबल को आप फॉलो करें। अगर आप स्टार्टिंग के टाइम टेबल को फॉलो करने में लेट हो गए तो लास्ट के जितने भी आपके फंक्शंस हैं, जहां आपके जितने भी अलग अलग रिचुअल्स हैं, वहां पर आपका टाइम और आपका पहुंचने का टाइम दोनों में इतना ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा, अभी हो सकता है वो रिचुअल्स ही आपको छोड़ने पड़े। तो प्लीज़ इस मिस्टेक से बचें, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो लगभग इवेंट्स में देखी जाती है। हम भारतीय लोग इस तरह की टाइम ब्लॉकिंग करते ही नहीं है, तो उस दिन आप अपने टाइम के लिए पूरी तरह पंचुअल रहें और दूसरों को भी कोशिश करें भी हर चीज़ टाइम पे हो। अगर टाइम पे होगी तो आपका इवेंट का एंजॉय और ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। मिस्टेक नंबर 23, फेथ ऑन वर्बल कम्युनिकेशन, नो रिटन कमिटमेंट। कभी भी आप किसी भी पर्सन को हायर करें, चाहे वो वेंडर हो आपका, चाहे वो होटल हो, किसी भी पर्सन को जब आप हायर कर रहे हैं तो स्टार्टिंग के अंदर जब हमें वो प्रोस्पेक्टिंग में कुछ चीज़ें बताता है, फर्स्ट मीटिंग करता है, तो बहुत सी वो वर्बल कम्युनिकेशन रहती है, बहुत सी चीज़ें आपकी तरफ से रहेंगी, बहुत सी चीज़ें उनकी तरफ से रहेंगी। तो वो जब चीज़ें आप डिस्कस कर रहे हैं तो फाइनल मोड पे जब भी आप पहुँचो तो उनको एक पेपर के अंदर ज़रूर लिखो, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट के जो भी वर्बली कम्युनिकेशन हुई है जब वो डिलीवरी तक पहुंचेगी तो 30% वो कम्युनिकेशन के अंदर गैप रहेगा। जब आपके पास गैप रहेगा तो आपका वेंडर बोलेगा भी सर ये बात तो मैंने बोली नहीं, जब वो उस टाइम पे आप बोलोगे भी नहीं आपने तो ये बात कही थी, उस टाइम पे आप उसके साथ या तो आर्ग्यू करोगे, अदरवाइज वो आपसे 20-30% एक्स्ट्रा चार्ज करेगा भी सर इसके तो एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, ये मैंने बात बोली नहीं। तो जो भी आप कमिटमेंट कर रहे हो उसको उसके साथ बैठ के अपने ही एक पेपर पे लिख के सिग्नेचर जरूर करवाएं, ताकि डिलीवरी के टाइम पे आप वो सब पॉइंट्स उनके आगे रख सकें भी ये देखिए ये हमारी डिस्कशन हुई थी और आपकी डिलीवरी के टाइम ये चीज़ें मिस हैं। अगर वो चीज़ें मिस हैं तो या तो आप उसका पेमेंट कम करिए या आप उसको पूरा करके दीजिए। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो हम वर्बली कम्युनिकेशन के अंदर इसको भूल जाते हैं, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। जब भी आप किसी भी पर्सन के साथ किसी भी तरह की कोई भी डील क्लोज करें तो उसको रिटन पेपर के ऊपर लें। जो पर्सन आपको रिटन में कमिटमेंट नहीं दे सकता वो डिलीवरी के टाइम जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इस चीज़ को अपने पास रखें हमेशा, क्योंकि ये हमारे एक्सपीरियंस से निकली हुई चीज़ें हैं जो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं।
तो ध्यान रखें कोई भी चीज़ है उसका रिटर्न कमिटमेंट जरूर करें और एक फाइल लगाएं, प्रॉपर वो फोल्डर के अंदर पेपर लगाते जाएं। इस तरह की मिस्टेक से आप जरूर बचें। मिस्टेक नंबर 24, वन डे बिफोर योर वेडिंग क्रॉस चेक ऑल द पॉइंट्स। जितने भी काम आपने अलाइन करे हैं, जितने भी वेंडर आपने अलाइन करे हैं, उनकी प्रॉपर आप एक लिस्ट बनाइए। उस लिस्ट को प्रॉपर वेडिंग से एक दिन पहले या दो दिन पहले आप क्रॉस चेक करिए और सभी को कॉल करके ये बात कंफर्म करिए भी आपको पता है भी दो दिन बाद शादी है और आप आ रहे हो। मोस्टली आप डायरेक्ट जब कॉल करोगे तो वेंडरों के माइंड से ये बात निकली होती है भी सर परसों तीन दिन बाद हमारी शादी है, तो एक बार 10 मिनट लगा के ये काम जरूर करें। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग हर चीज़ अपनी कंफर्म कर लें जो भी आपने इससे पहले डील फाइनल कर चुके हो। तो जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, चाहे परचेजिंग से रिलेटेड, चाहे गेस्ट से रिलेटेड, चाहे हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड, वो कम से कम वेडिंग से दो दिन पहले आप क्रॉस चेक करें और इन चीज़ों को मार्क करें भी ऐसी कौन सी चीज़ें पेंडिंग है जो अभी भी नहीं हुई और दिन दो बचे हुए हैं। तो इस मिस्टेक का ध्यान रखें। मिस्टेक नंबर 25, ऑल सेटअप रेडी नेट 6:30, डोंट क्रिएट टेंशन। जितने भी प्रोफेशनल वेंडर हैं उनकी कोशिश रहती है भी इवेंट स्टार्ट होने से पहले वो आपको पूरी तरह डिलीवरी देंगे। अक्सर देखा गया है भी जितने भी होस्ट आते हैं, फैमिली के लोग आते हैं, वो जब 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे वेन्यू पे पहुंचते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर देते हैं। वो उन वेंडर्स को फोर्स करते हैं भी जल्दी करो, आप लेट हो रहे हो, हमारे गेस्ट आने वाले हैं, प्लीज़ ये चीज़ के लिए रुकिए। आप जितनी ज़्यादा उनको फोर्स करोगे, जितनी ज़्यादा आप उन पे प्रेशर मेंटेन करोगे, वो उतना ज़्यादा पजल हो जाएंगे और वो अपने काम से उनका ध्यान हट जाएगा। ऐसा ना करिए, क्योंकि वो एक्सपीरियंस वाले पर्सन हैं, एक्सपीरियंस होल्डर लोग हैं, वो आपको 6:30 तक आपका वेन्यू, आपका होटल, आपका डेकोरेशन, आपका इंटरटेनमेंट लगभग रेडी करके दे देंगे, क्योंकि उनको पता है भी 6:30 तक अगर नहीं देंगे तो इसके बाद मूड स्पॉयल हो सकता है, फंक्शन स्पॉयल हो सकता है। तो कितना भी आप कोशिश कर लिए 6:37 से पहले आप बिल्कुल सेटअप रेडी ले ही नहीं सकते, क्योंकि उन सभी का एक रूटीन बना हुआ है। जैसे जैसे वो काम करते हैं कोशिश यही रहती है अभी टाइम से 1 आवर पहले ही आपको वो रेडी करके दे दें। तो प्लीज़ ये माइक्रो मैनेजिंग में ना जाएं, अपनी वेडिंग को एंजॉय करें, वेंडर के पीछे आप बिल्कुल टेंशन क्रिएट ना करें। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लगभग इवेंट्स में देखने को हमें मिलती है, तो इस मिस्टेक से जरूर बचें। मिस्टेक नंबर 26, शेयर वेडिंग डे टाइमलाइन विद योर फोटोग्राफर। अपने फोटोग्राफर के साथ पूरे दिन की टाइमलाइन जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके फोटोग्राफर को पता ही नहीं है अभी कौन सा रिचुअल कहाँ पे होने वाला है, उस रिचुअल्स के क्या टाइम है, कौन से टाइम पे उसने खाना खाना है, कौन से टाइम पे उसने चाय पीनी है। अक्सर देखा गया है शादियों के अंदर भी आपका फोटोग्राफर जहाँ तो पूरा दिन खाना ही नहीं खाता, चाय नहीं पीता, जहाँ वो खाना और चाय पी रहा होता तो उस टाइम उसको रिचुअल्स की कॉल आ जाती है भी जल्दी आओ, आप मेरा क्लिक करो। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आप प्रॉपर एक लिस्ट बनाओ, एक टाइमलाइन बनाओ कि किस टाइम पे कौन सा रिचुअल होना है, किस टाइम पे कौन सा रिचुअल होना है। उस रिचुअल्स के ऊपर फोटोग्राफर टीम का होना बहुत कंपलसरी है, तो उनको भी टाइम दें लंच के लिए, डिनर के लिए। और अगर टाइमलाइन आपने प्रॉपर बना रखी है तो अपने फोटोग्राफर के साथ ज़रूर शेयर करें, उससे आपकी टेंशन कम होगी। उस टाइम पे रिचुअल स्टार्ट हो रहे होते हैं और फोटोग्राफर का किसी को पता ही नहीं होता भी वो टीम कहाँ है, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, इस मिस्टेक से आप बचें। मिस्टेक नंबर 27, ब्राइड ग्रूम एंट्री सॉन्ग कलेक्शंस। बहुत सी वेडिंग्स में ऐसा देखा गया है कि जब ब्राइड ग्रूम एंट्री वहाँ से स्टार्ट होती है तो उनके पास कुछ सॉन्ग ही नहीं होते, तो उन सॉन्ग्स के बिना ब्राइड ग्रूम एंट्री बिल्कुल अधूरी रह जाती है। तो एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें,
भी आप अपनी एक लिस्ट मैनेज करके चलें और वो लिस्ट आपकी हमेशा जो एंटरटेनमेंट के लिए डीजे पे, जॉकी पे कोई भी पर्सन वहाँ रुका हुआ है तो एक पर्सन की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाइए कि उसके पास वहाँ पे रुके और तब तक वो उन्हीं सॉन्ग्स को बजाता रहे जब तक आप प्रॉपर स्टेज पर पहुँच नहीं जाते। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, अपने ब्राइडग्रूम एंट्री के सॉन्ग्स की कलेक्शन अपने साथ रखें। तो ये एक मिस्टेक्स है जो आप अपनी वेडिंग में ध्यान रखेंगे। मिस्टेक नंबर 28, चीपेस्ट वेंडर इज ए बिग प्रॉब्लम। जितने भी आप अपनी तरफ से अच्छे वेंडर करोगे वो अच्छे पर्सन आपसे 10% पैसा एक्स्ट्रा जरूर लेंगे, लेकिन वो 10% आपके डिलीवरी के टाइम पे आपको फील होगा भी ये बिल्कुल सही था। जितने भी आपके चीपेस्ट वेंडर होंगे जहाँ पे आपने वेडिंग में पैसा बचाने की कोशिश की, खास करके जब भी आपके वेंडर से कमिटमेंट हो रही है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें आपका जो भी चीपेस्ट वेंडर होगा वो डिलीवरी के टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, क्योंकि वो इतना चीप रेट पे आपको क्यों दे रहा है, क्योंकि जहाँ तो उसके पास फंक्शन बुक नहीं हुआ, जहाँ उसकी क्वालिटी ही नहीं थी। अगर उसकी क्वालिटी अच्छी होती तो वो इस रेट में कभी नहीं दे सकता। तो वो अपने पास जो वर्कर्स हैं वो बिल्कुल लो कैटेगरी के हायर करेगा, कम प्राइस में हायर करेगा, उनको रेंट नहीं देगा, उनको आने जाने का एक्सपेंस नहीं देगा, उनको ऑटो का किराया नहीं देगा, तो वो टाइम पे पहुंच ही नहीं सकते। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप कोई वेंडर हायर करें, कोई भी चीज़ हायर करें फूड के लिए, तो खास करके अच्छे वेंडर को, अच्छे पर्सन को हायर करें। अगर वो 5-10% एक्स्ट्रा आपसे मांग रहा है तो उसको ज़रूर दें, क्योंकि अगर आप 10% एक्स्ट्रा उसको पे कर रहे हैं तो आपकी ही फूड की क्वालिटी वो मेंटेन करेगा। अगर आप खुद ही उसको इस लेवल पे ले आए, वो खिलाएगा क्या और पहुंचेगा कैसे? तो हमेशा इन चीज़ों पे पैसा बचाने की कोशिश ना करें, क्योंकि जिन जिन लोगों ने वेंडर के बेस पे पैसा बचाया, शादी के बाद उन्होंने बैठ के आराम से फिर इस चीज़ का पछतावा किया भी अगर उस टाइम पे हम एक अच्छा वेंडर हायर करते तो वो जो मिस्टेक हुई है, वो गेस्ट का जो एक्सपीरियंस ख़राब हुआ है वो बिल्कुल ना होता। तो ध्यान रखें इस बात का, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, इस मिस्टेक से बचें। मिस्टेक नंबर 29, हायरिंग इनफ्लेक्सिबल वेंडर। किसी भी वेंडर को जब आप हायर करेंगे तो एक चीज़ फर्स्ट मीटिंग में क्लियर करें, अगर वो छोटी छोटी बातों के ऊपर आपसे रिजिड हो रहा है, वो कह रहे हैं सर नहीं ये नहीं करेंगे, इसका एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, नहीं सर ये मैं कम्प्लीमेंट्री नहीं दे सकता, इसका एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, तो एक चीज़ का ध्यान रखें, जब डिलीवरी का टाइम आएगा तो उस डिलीवरी के टाइम पे वो अगर आपके साथ फ्लेक्सिबल नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं ऑन द टाइम, अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं है तो आपकी वहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ पे आपका इवेंट चल रहा होगा, वहाँ पे कोई चीज़ शॉर्ट होगी और वो बोलेगा सर इसकी पहले पेमेंट कराइए, ऐसे मैं नहीं दे सकता। तो आप अपने साथ ऐसी चीज़ें क्लियर करके चलें भी कभी भी वो कोई भी वेंडर की तरफ से प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आपकी वेडिंग के अंदर क्या वो उस प्रॉब्लम को आपके साथ मैनेज करने में राजी है, या उस प्रॉब्लम के लिए वो अपनी तरफ देख के उसको ऐसे ही छोड़ने के लिए राजी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जितने भी वेंडर आप हायर करें कोशिश करें फ्लेक्सिबिलिटी उनके साथ रहे, वो आपके पास साथ फ्लेक्सिबल रहें, वहाँ पे काम करने में, आपसे डिस्कशन करने में, आपके साथ क्वालिटी मैनेज करने में, हर तरह की वो आपको सपोर्ट करें। तो कोशिश ये करें आप अपने वेंडरों की सपोर्ट करें, आपके वेंडर, आपके RSVP टीम, आपकी हॉस्पिटैलिटी टीम, यही आपकी वेडिंग की बैकबोन है। अगर आप बैकबोन के साथ किसी भी तरह की छेड़खानी करते हो तो वो आपके लिए ही एक बैड एक्सपीरियंस होने वाला है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, वेंडर, RSVP टीम और हॉस्पिटैलिटी टीम, ये टीम आप अपने साथ लेके चलें और इनको मैनेज करने की कोशिश करें, ताकि ये इनका अगर माइंड सही रहेगा, इनका मन अगर सही रहेगा तो आपकी पूरी की पूरी वेडिंग का जो एक्सपीरियंस निकल के आएगा वो बहुत ही लाजवाब निकल के आएगा। तो कोशिश करें, अक्सर हमने ऐसा देखा है लोग वेंडर के फूड के लिए वहाँ झगड़ा शुरू कर देते हैं भी सर हम इनको खाना नहीं देंगे। अरे सर जब आपका इवेंट मैनेज करने आए लोग खाना नहीं खाएंगे तो वो आपका इवेंट मैनेज बताओ कैसे कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, छोटी छोटी बातों के ऊपर माइक्रो मैनेजिंग ना करें। तो अगर उनका मन खुश है तो आपका पूरा इवेंट वो
तन मन से पूरी तरह दिल लगा के मैनेज करने की कोशिश करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें, ऐसी मिस्टेक अपनी वेडिंग में करने से बचें। मिस्टेक नंबर 30, लैक ऑफ एक्सपीरियंस इवेंट प्लानर। आपने जिस भी इवेंट प्लानर को हायर किया है, आप अच्छे से इस चीज़ को डिफाइन कर लें भी उनका एक्सपीरियंस क्या है। क्या वो आपको अदर वेडिंग्स का एक्सपीरियंस देने के लिए पहुंचा है, या वो आपकी वेडिंग को एज एक्सपेरिमेंट करने पहुंचा है? अगर वो आपकी वेडिंग को एज एक्सपेरिमेंट करने के लिए पहुंचा है, तो आप उस इवेंट प्लानर से बचें। आप कोशिश करें ऐसे इवेंट प्लानर को हायर करें, ऐसे पर्सन को हायर करें जो आपकी पूरी तरह टेंशन फ्री कर दे, आपका वेडिंग का डे इंजॉय का डे बना दे, वो आपका ड्रीम डे बना दे लाइफ का। और दोबारा कभी भी आप उसी को याद करो भी वो एक पर्सन था जिसने पूरी वेडिंग हमारी मैनेज कर दी। तो कोशिश करिए लैक ऑफ एक्सपीरियंस इवेंट प्लानर को बिल्कुल ना हायर करें, क्योंकि अगर आप अच्छा इवेंट प्लानर हायर करोगे तो जितना भी बजट आप अपनी वेडिंग पे लगा रहे हो वो उसी तरीके से मैनेज करेगा। देखिए कैसे, जैसे आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, एक घर बना रहे हो, तो आप आर्किटेक्ट हायर ही नहीं करते। तो आप जितना भी पैसा बिल्डिंग पे लगाने वाले हो, आप अपनी मर्जी से अपने तरीके से लगाने वाले हो। बिना आर्किटेक्ट के बना मकान सिर्फ बिना पछतावे के और कुछ नहीं होता। पैसा लगाना और पैसा ढंग से लगाना, दोनों बातों में फ़र्क है। तो इस चीज़ से ध्यान रखें, आपका इवेंट प्लानर आपके वही बजट को एक ऐसे तरीके से लगाएगा आपकी पूरी वेडिंग हमेशा के लिए एक ड्रीम डे में कन्वर्ट कर सकता है। अगर उसकी जगह आप लैक ऑफ एक्सपीरियंस इवेंट प्लानर हायर कर लिया कम बजट के कारण, तो वो पर्सन आपकी वेडिंग को सिर्फ एक्सपेरिमेंट डे ही बनाने वाला है। लास्ट में वो एक ही बात बोलेगा, सॉरी सर, लेकिन उस टाइम पे आपका दिन जा चुका है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अच्छा इवेंट प्लानर हायर करें और ध्यान रखें। मिस्टेक नंबर 31, मोस्ट इम्पोर्टेंट, यू फॉरगेट हैव फन। कितना भी इंजॉय करिए, कितनी भी खुशी मनाइए, लेकिन जो आपकी वेडिंग की इम्पोर्टेंस है उसको कभी मत भूलिए। हमेशा इंजॉय करिए लेकिन अपनी वेडिंग के इम्पोर्टेंस को कभी मत भूलिए। आप किसी ऐसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन को पूरे इवेंट को मैनेज करने के लिए हायर करें ताकि आप पूरी तरह एंजॉय कर सकें। अगर आपका हाफ माइंड इवेंट को मैनेज करने में लगा हुआ है और हाफ माइंड आपका इवेंट को एंजॉय करने में लगा हुआ है, ना तो आप प्रॉपर एंजॉय कर पाएंगे और ना ही आप प्रॉपर मैनेज कर पाएंगे। हमने ऐसा कई बार देखा है, वहाँ पे फूड कोर्ट के अंदर प्लेट्स शॉर्ट हो जाती हैं और तब तक होटल या वेन्यू प्लेट्स नहीं लगाएगा जब तक आप वहाँ पे नहीं करोगे, और लड़की के पापा स्टेज पे रिचुअल्स में बिजी हैं। तो उस टाइम पे हमने देखा है कई बार भी आधा आधा घंटा वहाँ पे प्लेट्स ही नहीं होती और आपके गेस्ट आते हैं बिना प्लेट्स के, वो घूम के चले जाते हैं और लोगों से पूछते हैं भी प्लेट्स क्यों नहीं है। तो वहाँ पे अगर कोई आंसर देगा, सर ने अभी तक पे नहीं करा इसलिए प्लेट्स नहीं लगाई गई, तो आप बताइए भी उन मेहमानों को बुलाकर अगर हम खाना ही नहीं दे सकते तो उन मेहमानों को बुलाने का कोई बेनिफिट नहीं। हम अपनी ही वेडिंग स्पॉइल कर रहे हैं और उन मेहमानों को बुलाकर उनका मूड खराब कर रहे हैं। तो इन सभी बातों का आप विशेष ध्यान रखें। आपकी ये मिस्टेक्स अगर आप कंसीडर कर लेते हैं अपनी वेडिंग में, तो आपकी वेडिंग आपके लिए एक लाइफ का ड्रीम डे बनने वाला है। तो आपने बहुत अच्छा किया ये सब पॉइंट्स नोट करने के लिए, आपने हमारे इस सेमिनार को बाय किया। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो वेडिंग से रिलेटेड हम आपको टाइम टू टाइम पहुंचाते रहेंगे। इसी तरह आप हमारे इसी चैनल को प्यार देते रहिए और जानकारी के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल वरमाला। इसके अलावा सभी पॉइंट्स आपके पीडीएफ में भी दिए गए हैं। पीडीएफ में कोशिश करिए, हमने पॉइंट टू पॉइंट ये सभी मिस्टेक्स, ताकि आपके इस वेडिंग डे को और ज़्यादा इंजॉयफुल बनाया जा सके आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए।
तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे अगर आप इतने सीरियस हैं अपनी वेडिंग से, तभी आपने ये सेशन हमारा बाय किया है, तो हमारी बहुत सी और भी कोशिश रहेगी आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऐसे एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाए जाएं जो आप आने वाले दिनों में अपनी वेडिंग्स के अंदर अपनी इन चीज़ों से बच सकें और अपनी लाइफ के इस ड्रीम डे को और ज़्यादा इंजॉय करें। और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल वरमाला.com, जो आपको जानकारी देता है टॉप लग्जरी 5-स्टार होटल्स की, वहाँ पे होने वाले सभी इवेंट्स की, वहाँ पे होने वाले सभी एक्सपीरियंस की, जिनको जानकर आप अपनी वेडिंग के डे को और ज़्यादा मेमोरेबल डे बना सकते हैं। तो इतना प्यार देने के लिए चैनल को आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।